चलो फोटो कोई सा भी हो, हमें तो ब्यूटी चाहिए नेचुरल, जो थोड़े से आड़े टेढ़े हों, छेद वाले। हाँ तो वही तो घर में दोनों उंगली निकाल के ये रानो रहना पत्थर की खाद, एक हिस्सा गोबर की खाद, इसको मिला के हम नीचे हम 2 इंच या 3 इंच की एक लेयर बना देंगे। वो भी इसलिए बना देंगे क्योंकि लैंडस्केपिंग को बार बार रिपोर्ट नहीं किया जा सकता, कम से कम 7-8 साल बाद ही रिपोर्ट होती है, तो पौधे को ठीक से खाद मिल सके। दूसरा, पत्तियों की खाद में कोई भी पौधे की जड़ें बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। जब भी पौधे को हम रिपोर्ट करते हैं, बड़े पेड़ को भी हालांकि रिपोर्ट करते हैं, तो केवल पत्तियों की खाद में ही रिपोर्ट करते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहती है। इसके पश्चात हमने इसको गमले में से कैसे निकाला हुआ मैं आपको दिखा चुका हूँ। पेड़ को आप पकड़ लीजिए और गमले पे ऊपर से मार दीजिए, पौधा अपने आप बाहर आ जाएगा। मैन, आपके पास ये पत्थरों का कलेक्शन होना चाहिए जिससे आप ये सेलेक्ट कर सकें कौन सा पत्थर हमें कहाँ लगाना है। जैसे अब आप ये इस पत्थर का देख रहे हैं सर, किसके अड़ गए, देख कैसे कौन सा ही बनाते हैं। अब जैसे ये पत्थर का एक हमने बनाया है सर, कि दो पत्थरों को आपस में ऐसा लगे कि एक ही चट्टान का हिस्सा है, इस तरह से। सर मतलब बिल्कुल चिपका देंगे तो वो तो कारीगर हो गया, वो चिनाई करता है जो मसाला बिल्कुल। ये जब धीरे धीरे, ये मैंने जड़ इसीलिए नहीं काटी है, ये जड़ को मैं इधर से निकाल के लाऊंगा। अच्छा, तो वो फिर आपको प्यूरी ब्यूटी लगेगी, कोई कोई पहाड़ पे आपका प्लांट लगा है। ओके, तो अलग अलग कैसे भी लगा सकते हैं, ये नहीं अच्छा लगेगा। इस तरीके से पूरी मिट्टी मतलब अपन भर देंगे, भर देंगे हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि अभी पत्थर जमाया सर जी, ये मिट्टी वैसे है। जैसे अगर हम घर पे होते तो इसको अभी छोड़ देते सर। अच्छा, अब नेक्स्ट डे ये मिट्टी भरते, क्योंकि अभी ये सर रिसेंटली देखो सीमेंट सेट हुआ है जी, तो इसको सेट होने में कम से कम 6 से 8 घंटे चाहिए, बट इस तरह इसके गेप फिलअप कर देंगे। टेम्पररी मतलब आप भर रहे हैं इसको, इसलिए मैं इसमें मिट्टी ना भर के खाद भर रहा हूँ, मिट्टी का लोड ज़्यादा रहेगा जी, गैप खाली दिखेंगे। पत्तियों की खाद है ये तो सीमेंट और रेत, कलर डाल दिया थोड़ा सा, सेंटर में नहीं रही थी बस सर, उसको मच्छर मच्छर रेडी करो।
इस तरीके से जमाने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अधिकतर पत्थर के बीच में रहना पसंद करता है, इसलिए इसका नहीं बाकी। हाँ, हम लोग जैसे पूरे बड़े पेट को न्यूट्रिशन देते हैं, वैसे ही इसमें हम कम ऑर्गेनिक मैनूर भी डाल देते हैं, इनऑर्गेनिक भी डालते हैं, दोनों तरह। उस ग्रास आती है वो पानी में मिला के, मोस ग्रास मतलब जो अपनी जैसे जंगली ग्रास होती है वो, ये बाजार में मिलती है सूखी मोस, ताकि ये मिट्टी बहे नहीं। मिट्टी में इसमें बाकी ये सारा लकड़ी वगैरह ये सब कुछ डाल देंगे, ताकि इसको नेचुरल भी मिल जाए। मोस ग्रास जो भूसे जैसी दिखती है। हाँ, मनी प्लांट के उसमें अपन लोग लगाते हैं। जी जी समझ गया। हाँ, मुझे एक बॉस्टिक वगैरह जैसे। हाँ हाँ, मोस ग्रास में क्या मिला है आपने? पानी पर पानी मिलाया सर। इस तरीके से ये क्या है, फिर मिट्टी हम पानी पिलाएंगे तो मिट्टी भागेगी नहीं सर, कोलैप्स नहीं होगी। और इसको लगाने की कितनी देर बाद पानी डालना अपने? हाथों पानी हाथों हाथ ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, सूखने के बाद ये अभी सीमेंट भी इधर तो देखो, पत्थर अरेंजमेंट सीमेंट भेज जाएगा तो खत्म हो जाएगी, इसकी पूरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। ये क्या है, फिर थोड़ा सा कल अगले दिन इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग होगी, तो ये स्लो मेंटेन होगा। अच्छा, मिट्टी की ट्रिमिंग होगी। हाँ, मिट्टी की। ये थोड़ा सा अभी मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि पत्थर टिकेंगे कैसे। जी जी, मैं इसको जैसे करूँगा ये पत्थर टर्न गिर जाए। पर इसलिए गैप को थोड़ा सा भर के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये एक चीज़ समझ में आ जाए कि क्या बना है। जी, टिफिन तैयार है, कल थोड़ा सा काम होगा। अब मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ।